पहला एक एक्सपीरियंस रहा है ये. बहुत ही एक्साइटिंग मीडियम है और ये एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि ये ऑडियंस क्रिएट करना और एक ऐसे स्पेस में जाना जो हमने अब तक नहीं देखी है. एक लेडी आर्मी ऑफिसर प्ले करना जो कि कॉम्बैट कैपेसिटी में देखी जाएंगी, ये बहुत ही एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन रहा है सब कुछ. बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप की ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एथलेटिक लेवल पे ट्रेनिंग ली गई है और मेरे लिए फ़िज़िकली ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा. इससे ज़्यादा मैंने अपने आप को फ़िज़िकली कभी चैलेंज नहीं किया. बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खाने में बहुत पसंद है वो सब आई हैड टू जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग. सो बहुत सैक्रिफाइसेस रहीं बट बहुत ही रिवॉर्डिंग जर्नी भी रही है. जी आई थिंक एज एक्टर्स हम ये चीज़ तो नहीं सोचते, एटलीस्ट मैं ऐसा नहीं सोचती एज एन एक्टर कि हार्ड हिटिंग है और फीमेल सेंट्रिक है इसीलिए मुझे ये करना है. मुझे कहानियों से प्यार है, मुझे किरदारों से प्यार है, मुझे एक एक जर्नी से जर्नी में इंटरेस्ट है. और अगर एज एन ऑडियंस मुझे लगता है कि मैं ये देखना चाहती हूँ तो मैं यू नो आई स्टार्ट वॉकिंग दैट पाथ एज एन एक्टर. सो द इंटेंशन इज़ नॉट टू प्ले समबडी स्ट्रॉन्ग और टू अ वुमन सेंट्रिक पार्ट. वो इंसिडेंटल है ज़रूर, येस, बट इट्स रियली ग्रेट टू नो दैट यू नो पीपल रिलेट टू समथिंग दैट यू नो वन वर्क्स इन.